अभी ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में ये जैक निकालना बताया था, अब ये लगाना बताएंगे किस तरीके से लगता है। ये जैक है, इसमें जो 4 पॉइंट है इसमें 2 पॉइंट आगे के जो खड़े होते हैं जो कि बोर्ड में अंदर फंसते हैं, ये 2 पॉइंट, ये देखिए ये, और 2 पॉइंट लेटे हुए होते हैं जो कि बोर्ड में ऐसे सोल्ड हो जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट बोर्ड के अंदर कैसे लगाएंगे और ये चार मैन पॉइंटों को कैसे सोल्ड करेंगे, आइए देखते हैं। जैक को इस तरीके से आप सेट करेंगे, सेट करने के बाद ये देखिए अब ये आयरन से ये जो नीचे के पॉइंट है इनको आप हीट करेंगे, और जब ये सोल्डर मेल्ट हो जाएगा तो अपने आप वो पिने अंदर बैठ जाएंगे। ये अंदर इंसर्ट हो गई, देखिए अंदर गई पिन, और ये देखिए ये नहीं तो आप थोड़ा सा सहारा लेकर के इसे अंदर कर सकते हैं। ओहो गिर गया, इसे ऐसे लगानी, दोबारा देखिए दोबारा लगाते हैं। देखिए बैठ गया, ये देखिए हाँ ये बैठ गया ना, अब इसका पीछे के जो पॉइंट है उनको भी हम सोल्ड करेंगे, ये साइड के जो पॉइंट है। सोल्ड हो गया, दूसरी साइड से भी ठीक, दूसरी साइड से भी हम इसे सोल्ड कर देंगे। देखिए अब हमारा ये जैक जो है अच्छी तरीके से पकड़ में आ गया और ये अच्छी तरह बोर्ड में सेट हो गया है। अब जो मैन जो ये 5 पॉइंट हैं जो बोर्ड में सप्लाई भेजते हैं उनको हम माइक्रो आयरन से सोल्ड करेंगे। ये माइक्रो आयरन के थ्रू डिसोल्डिंग पेस्ट, देखो अभी सूखा सूखा लग रहा है तो हम डिसोल्डिंग पेस्ट लगाएंगे थोड़ा सा, माइक्रो आयरन से हम इन पिनों को देखें इस तरीके से सोल्डिंग कर दें। तो ये देखिए देखिए आपस में पिन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, देखिए सारी पिन एकदम क्लियर लग गई और ये दोनों पॉइंट भी क्लियर हो गए, और यहाँ से देखिए ये जो बेस है हमारा यहाँ जो पॉइंट है ये भी अच्छी तरीके से बैठ गया है। तो इस तरीके से हम जैक
लगाते हैं चार्जिंग चार्ज। ओके थैंक यू।